हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूँ स्वाति। मैं अपने चैनल स्वाति सोनी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल की पूरी। जो दाल की पूरी आप खीर के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और ये सारी रेसिपी, दाल की पूरी, खीर और अचार की रेसिपी, ये मेरे चैनल पे स्वाति सोनी रसोई पे आपको मिल जाएगी। तो आज हम सिर्फ दाल की पूरी बनाने जा रहे हैं, तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमने एक कटोरी चना दाल ले लिया है। चना दाल को हम एक घंटा के लिए पानी में भिंगो के रख देंगे। तो ये देखिए, ये हमने पहले ही भिंगो लिया था और ये अच्छे से फूल गया है। अब एक घंटा हो चुका है, तो अब चलिए हम इसको कुकर में डाल देंगे। इसको हम दो तीन बार पानी से वॉश करके इसे हम कुकर में हमने डाल दिया है। और इसमें हम एक स्टीम लगा लेंगे। तो कुकर में डाल के इसमें हम आधा चम्मच हल्दी और एक चौथाई चम्मच हम नमक डाल दिए हैं। तो ये देखिए, इससे हल्दी से क्या है, हल्दी डालने से कलर थोड़ा अच्छा रहता है, तो देखने में अच्छा लगता है। थोड़ा हमने नमक डाल दिया है तो, और थोड़ा सा पानी, एक कटोरी दाल है तो दो कटोरी के लगभग हम पानी डाल दिए हैं। और इसे अच्छे से मिला के अब हम इसे हम गैस पे चढ़ा देंगे। और हमें सिर्फ इसमें एक स्टीम लगाना है, ज़्यादा दाल को हमें गलाना नहीं है। दाल नॉर्मली पक जाए लेकिन वो बिल्कुल अलग अलग रहना चाहिए, होना चाहिए। तो ये देखिए, कुकर में एक स्टीम लग चुका है। अब हम गैस को बंद कर दे रहे हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दे रहे हैं, जब तक इसका प्रेशर रिलीज़ नहीं हो जा रहा है। तो चलिए इसको अब हम देख ले रहे हैं। आधा घंटा हो चुका है और ये देखिए, दाल कितना अच्छा ये बन चुका है। और देखिए, सारे दाने अलग अलग दिख रहे हैं ना। और देखिए, इसको हमने एक दबा के देख रहे हैं तो पूरा दाल अच्छे से पक भी चुका है, लेकिन पूरा खिला खिला दाल है। तो चलिए अब हम इसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले तो दाल का पानी हम निकाल लेंगे। तो इसको एक हम छन्नी में छान ले रहे हैं और छान के इसे हम 10-15 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे इसका सारा पानी जो है वो निकल जाए, दाल में पानी नहीं रहना चाहिए। अब चलिए हम कढ़ाई पे, हम गैस पे कढ़ाई चढ़ा लिए हैं। इसमें हम आधा चम्मच जीरा, आधा एक चौथाई चम्मच हींग, दो लाल मिर्च, दो तेज़पत्ता डाल के हमने थोड़ा जीरा को चटका लिया है। उसके बाद 4-5 हरी मिर्च, 1 से 1.5 इंच अदरक को काट के घस के हमने डाल दिया है। और 1/4 चम्मच हम नमक डाल दिए। नमक हम पहले भी डाल के बॉईल में हमने डाले थे, और 1/4 चम्मच हम नमक अभी भी हमने डाल दिया है। और इसमें हम आधा चम्मच हम मिर्चा पाउडर डाल दिए हैं। हल्दी हमने पहले ही डाल दिया है। तो अब हमें इसमें और कोई भी मसाला ऐड नहीं करना है। अगर आपको पसंद है तो धनिया वगैरह पाउडर आप डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसमें कुछ भी अब नहीं डाला है सिर्फ। तो चलिए इसको हम अच्छे से भून ले रहे हैं। और भूनने के टाइम में इसमें क्या होगा, थोड़ा ये कढ़ाई में लगेगा, तो इसको मीडियम फ्लेम पे भूनते रहिएगा। जो कि जैसे जैसे ये ड्राई होते जाएगा ये चना दाल, वैसे वैसे कढ़ाई से सारा निकलने लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा कम। तो ये देखिए, इसको हमें बिल्कुल ड्राई होने तक भून लेना है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं रह जाना चाहिए। अब हम ये देखिए, हमने जैसे हम आटा मारते हैं वैसे ही हम आटा मार लिए हैं, लेकिन बस इस आटे, हमने 2 कप आटा लिया था, इसमें 1/4 नमक और 2 चम्मच ऑयल डाल के मिला के हमने इसे मार लिया है। जैसे हम पूरी के लिए आटा लगाते हैं वैसे ही हम आटा लगा लिए हैं। अब चलिए इसका हम, इसमें हम फिलिंग करेंगे हम चने की दाल की। दाल की पूरी चने के दाल में ही ज़्यादा बढ़िया लगती है, उसी में बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए, इस तरह हमने लोई बना लिया है और इसमें हम 2 चम्मच के लगभग हम दाल भर देंगे। दाल बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है क्योंकि हमने इसे फुला के इसमें हल्का इसे स्टीम लगा लिया था, तो दाल बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है। ये पूरी अगर आप बना के कहीं आप बाहर जा रहे हैं, सफ़र में जा रहे हैं, तो भी आप रख लेंगे तो ये आराम से 2 से 3 दिन तक आपको चल जाएगी, ये जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो ये देखिए कितना अच्छा हो गया है। तो अब चलिए हम सारी पूड़ियाँ बेल के इसे हम डीप फ्राई कर ले रहे हैं। ये आप चाहे तो तवे पे भी इसे पराठा जैसे सेकती हैं वैसे भी आप सेक सकते हैं, लेकिन आज हम इसे डीप फ्राई ही करेंगे कचौड़ी जैसा हम बना के। तो ये देखिए, इससे इस साइज़ में हमने बना लिया है। और चलिए अब हम इसको तल ले रहे हैं। ये दाल की पूरी जो है खीर के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। हम लोग के तरफ मेरी मम्मी दाल पूरी और खीर अक्सर बनाती हैं, तो इसका कम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, दाल पूरी और खीर। तो ये देखिए, ये सब हम इसमें फ्राई करके, डीप फ्राई करके हम निकाल लेंगे पूड़ियाँ को। और कितना अच्छा लग रहा है,
आप लोग भी बनाइएगा और खाइएगा, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। कभी कभी अगर शाम में अगर कुछ समझ में नहीं आए रात में क्या बनाना है, तो आप एक बार ये भी ट्राई कर सकते हैं। और इसी तरह हम हल्का ब्राउन होने तक हम दोनों तरफ अलट पलट करके हम सेक लेंगे अच्छे से। इसी तरह हम सारी पूड़ियाँ को हम तल लेंगे, और तल के फिर आप इसे अचार के साथ खाइए, सब्जी के साथ खाइए। तो ये देखिए, ये हम खीर के साथ हमने सर्व किया है, और ये मिर्च का अचार। अगर आपको खीर और अचार की भी रेसिपी आपको चाहिए, तो ये मेरे चैनल स्वाति सोनी रसोई पे आपको मिल जाएगी। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए, अब हम इसको एक तोड़ के दिखा दे रहे हैं, तो देखिए कितना सॉफ्ट है, बहुत ईजिली टूट जा रहा है, क्योंकि इसमें आटा में हमने म्योन डाल दिया था 2 चम्मच के लगभग। तो और देखिए कितना अच्छा फिलिंग भी, देखिए पूरा भर के इसमें दाल दिख रहा है, तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चलिए आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट्स हमें लिख के ज़रूर भेजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।